सो हम लोगों ने अभी तक देखा कि हमारे पास एक्चुअल में एक रिलेशन क्या होता है एंड देन हम लोग उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं. याद रखिएगा रिलेशन का इन्वर्स भी एक रिलेशन ही होता है. ऑल राइट. एंड देन हमने देखा कि एक फंक्शन क्या होता है. हम लोग अब देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं. तो माइंड में क्या रखना है आप लोगों को कि एक फंक्शन का इन्वर्स भी एक फंक्शन ज़रूर होना चाहिए. ऑल राइट. सो ध्यान से देखिए हमने अभी तक देखा कि एक रिलेशन हमारा फंक्शन कब बनता है. जब एक फंक्शन मान लीजिए हमारा ए टू बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए कहीं ना कहीं बी के साथ. हमारे बी के एलिमेंट्स खाली हो सकते हैं. ऑल राइट. बट ए के हमारे पास सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड होने चाहिए और ए का एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ ही मैप होना चाहिए. तो इन शॉर्ट याद रखिएगा जब कभी भी आपके पास ये पिक्टोरियल डायग्राम दिया हुआ हो या फिर ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हों तो आप पहले उनका पिक्टोरियल डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लें. ओके. माइंड में ही ड्रॉ कर लें और आप देखें क्या क्या उस डायग्राम में आपके पास जो एरो बन रहे हैं वो किसी भी यहाँ वाले एलिमेंट के लिए ऐसे बन रहे हैं क्या या फिर ऐसे बन रहे हैं क्या या फिर ऐसे बन रहे हैं क्या. याद रखिएगा ये कंडीशन हमारे पास वैलिड होती है यूनिक इमेजेस के लिए, यूनिक मैपिंग के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे. ओके. तो ध्यान से देखिए इस एलिमेंट की सिर्फ एक मैपिंग है यहाँ पे, इस एलिमेंट की भी सिर्फ एक मैपिंग है हमारे पास यहाँ पे, इसकी भी हमारे पास सिर्फ एक मैपिंग है और इसकी भी हमारे पास सिर्फ एक ही मैपिंग है. ठीक है. बट अगर हम बोलें कि अगर हमारे पास एरो कुछ ऐसा बनता, मान लीजिए हमारे पास एरो कुछ ऐसा बनता, यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स हैं, देन आप बोलते कि ये जो एलिमेंट है हमारा उसकी एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट इमेजेस हो गई. तो ये कंडीशन हमारे लिए फॉल्स है फंक्शन बनाने के लिए और ये कंडीशन हमारे लिए ट्रू हो सकती है फंक्शन को बनाने के लिए. यानी कि जब कभी भी आपको डायग्राम में एरोज दिखते हैं तो आपको देखना है क्या सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऑक्यूपाइड हैं. हाँ हैं. और अगर आपको कभी भी दिख जाता है इस टाइप का कुछ मैपिंग, यानी कि दो एलिमेंट्स यहाँ पे, एक एलिमेंट्स यहाँ पे या फिर मोर देन टू एलिमेंट्स यहाँ पे और सिंगल एलिमेंट यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं ये फंक्शन के लिए वैलिड मैपिंग है. बट अगर आपको मैपिंग दिखती कुछ ऐसी, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे और दो एलिमेंट यहाँ पे या फिर तीन एलिमेंट यहाँ पे या फिर चार एलिमेंट यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये हमारे पास मैपिंग गलत है फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए. ऑल राइट. नाउ ये तो हमने देखा कि हमारे पास एक्चुअल में फंक्शन होता है. हमने ये भी देखा था कि रिलेशन के अंदर जब हमने अपने रिलेशन का इन्वर्स निकाला था देन हमारे पास बी सेट यहाँ पे आ गया था एंड ए सेट यहाँ पे आ गया था. मान लीजिए यही वाला हमारे पास रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं. देन हम लोग जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास इन्वर्स क्या आएगा इसका, बी हमारा बन जाएगा यहाँ पे. यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, हम इसको लिख नहीं रहे. एंड हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स थे, तो याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास. 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स थे हमारे पास. नाउ देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका मैप्ड होगा इन दोनों से तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, एंड सेकंड एलिमेंट आपका मैप होगा सिर्फ थर्ड से तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे, थर्ड एलिमेंट आपका मैप्ड होगा फोर्थ से, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा ऐसे. अब आप मुझे बताएं कि जब आपने इस रिलेशन का इन्वर्स किया या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन का आपने इन्वर्स किया देन आपको क्या एक फंक्शन ही ऑब्टेन हो रहा है. ध्यान से देखिए फंक्शन को होने के लिए आपके पास दो कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन क्या बोलती है आपसे कि अगर आपका फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी देन ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए और वो यूनिकली मैप्ड होने चाहिए. अब एफ इन्वर्स भी तो एक फंक्शन ही होगा. ठीक है. तो मुझे बताएं क्या रिलेशन एक फंक्शन है. ध्यान से देखिए इसके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स क्या मैप्ड हैं, तो आप बोलेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते. ओके. इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते. इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छोड़ दिया देन इन्वर्स करने पे वो एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएंगे और हम लोग उसका इन्वर्स नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ के एलिमेंट्स की हमारे पास मैपिंग नहीं है. और अगर मैपिंग नहीं है फर्स्ट सेट की, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिलेशन एक फंक्शन नहीं कहलाएगा. ओके. ठीक है. नाउ ध्यान से देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग कर दी, इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन तो सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैप करने चाहिए यहाँ पे. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. ध्यान से देखिए मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स का और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3. ये हम लोग पहले फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन एफ मान लीजिए यहाँ पे, और हमने मैपिंग कर दी इसकी ऐसे, देन इसकी कर दी हमने मैपिंग ऐसे,
ये मैपिंग हो गई हमारी ऐसी, ये हो गई ऐसी, और ये हो गई हमारे पास ऐसी, ठीक है। नाउ अभी मान लीजिए रिलेशन ही है, हम लोग इसके रिलेशन का इन्वर्स निकाल लें, तो अगर हमने इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करी तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये वाला सेट आ जाएगा यहाँ पे, एंड ये वाला सेट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड देन 1 2 3। देन फर्स्ट मैप था हमारे फर्स्ट टू से, यानी कि ये हो जाएगा कुछ ऐसा। देन सेकेंड मैप था हमारे सेकेंड टू से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा, और यहाँ हमारे पास मैपिंग हो जाएगी कुछ ऐसी। नाउ जब हमने इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने की यहाँ पे कोशिश करी तो हमने एक चीज़ तो पाई कि भाई इन्वर्स निकालने के बाद हमारे पास ये फंक्शन यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को ऑक्यूपाई तो कर रहा है, बट क्या ये हमारा सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि ये एक फंक्शन अभी भी नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई एक फंक्शन हमारे पास था, उसका इन्वर्स निकालने की हमने कोशिश करी, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली भी छूट गया तो भी ये फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और अगर यहाँ पे एलिमेंट्स मान लीजिए खाली नहीं छूटे लेकिन यहाँ पे मैपिंग एक से ज़्यादा के साथ हो गई तो हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन का इन्वर्स हम लोग यहाँ भी नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअल में फंक्शंस का इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो याद रखिएगा उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस को फुलफिल करना होता है हम लोगों को अगेन। ऑलराइट, पहले फंक्शन बनाने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करो, एंड देन उसका इन्वर्स निकालने के लिए भी हमें दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। याद रखिएगा हर एक फंक्शन का इन्वर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, बट रिलेशन में देखिए आप लोग, रिलेशन में आप लोगों के पास हर एक रिलेशन जो डिफाइन था आपके पास उसका इन्वर्स आप इजीली निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करे आपका, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपके पास फंक्शन है एक f a to b, और अगर ये फंक्शन डिफाइंड है मान लीजिए सारी कंडीशंस की फुलफिल हो रही हैं, देन आप बोल सकते हैं कि आपका f इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ जब आपका जो फंक्शन f है इज अ वन वन फंक्शन हो। इसका मतलब हम देखने वाले हैं अभी नेक्स्ट आगे चल के, एंड सेकेंड आपसे बोलेगा कि फंक्शन f आपका जो हो वो ऑन टू, ठीक है। याद रखिएगा ये हमने पहले भी देखा हुआ है जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। ऑल राइट, बहुत से बच्चे फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ते हैं पहले, तो लास्ट में पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपका इन्वर्स किसी फंक्शन का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन आपका वन वन फंक्शन हो और जब वो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन हो। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट में लगा लीजिए ताकि हम लोग इसको देख सके बाद में। और अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कोई फंक्शन वन वन कब होता है और एक्चुअल में कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, ताकि हम देख सकें कि उसका इन्वर्स एक्चुअल में क्या होता है। ऑल राइट, सो इस सारी चीज़ों को प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक्स के अंदर। हम देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को देखते हैं कि वो वन वन है और कैसे हम लोग देखते हैं किसी फंक्शन को कि वो ऑन टू है। ऑल राइट, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। सो लेट्स नाउ सी हमारे पास वन वन फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है और हमारे पास ऑन टू फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। ऑल राइट, तो याद रखिएगा ये वन वन फंक्शन होने के लिए या फिर ऑन टू फंक्शन होने के लिए हमारे पास एक रिलेशन फंक्शन पहले ज़रूर होना चाहिए। ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल डायग्राम, और मैं समझाता हूँ आप लोगों को एक्चुअल में एक फंक्शन आपका वन वन कब होता है, एंड देन बाद में हम बात करेंगे वो फंक्शन ऑन टू कब होता है। ऑल राइट, तो ये हमने यहाँ पे तीन फंक्शंस बनाए हैं। देखिए फंक्शन है कि नहीं, बिकॉज यहाँ के सारे एलिमेंट्स आपके पास मैप्ड हैं और आई थिंक यूनिकली मैप्ड हैं। देन यहाँ के सारे एलिमेंट्स भी मैप्ड हैं और यूनिकली मैप्ड हैं, और यहाँ के भी सारे एलिमेंट्स आपके पास मैप्ड हैं और यूनिकली मैप्ड हैं। यूनिकली मैप्ड कैसे पता करते हैं आप लोग, कि आपके पास कोई भी एलिमेंट इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट्स या तो इस फॉर्मेट में हों तो चल जाएगा, या फिर सिंगल सिंगल के फॉर्मेट में हो तो भी चल जाएगा आपके पास, ठीक है। बट ये चीज़ अगर हो गई किसी रिलेशन के अंदर तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा आप लोग। ऑल राइट, तो ध्यान से देखिए कोई फंक्शन हमारा वन वन कब बनता है, देखिए ध्यान से। तो हम बोलेंगे कोई भी फंक्शन हमारा वन वन तब बनता है जब यहाँ के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के साथ ही मैप्ड हो। इट मीन्स अगर एक एलिमेंट इसके साथ मैप्ड हो गया देन कोई और एलिमेंट अब इसके साथ मैप नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इस एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ है, और आप देखेंगे कि इस एलिमेंट की मैपिंग भी इसके साथ ही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका
11 तो नहीं है। ऑल राइट, आगे देखते हैं एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे इस एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ है, क्या इसकी मैपिंग किसी और के साथ भी है? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ध्यान से यहाँ देखिए, इस एलिमेंट की मैपिंग इस एलिमेंट के साथ है और इस एलिमेंट की मैपिंग अगेन ये भी कर रहा है, देन अगेन ये फंक्शन भी आपका 11 तो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए जल्दी से। तो यहाँ देखिए, इस एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ है, क्या कोई और एलिमेंट है जो इसके साथ मैप्ड है? नहीं। देन इस एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ है, कोई और एलिमेंट है जो इसके साथ मैप्ड है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन इस एलिमेंट की मैपिंग ये एलिमेंट कर रहा है, देन इसके साथ किसी और की मैपिंग है? नहीं है। और इस एलिमेंट की मैपिंग इस एलिमेंट के साथ है, तो हम बोलेंगे इसकी मैपिंग किसी और के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका 11 हुआ। इसका मतलब अगर कोई आपके पास यहाँ पे इमेजेस बनती हैं, देन वो इमेज किसी और एलिमेंट की इमेज नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी और 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी। मैं सिर्फ यहाँ पे वही पॉइंट्स ले रहा हूँ जो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, ये हमारा जो फंक्शन बनेगा वो एक्चुअल में 11 फंक्शन बनेगा। ऑल राइट, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, ऑन टू फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होगा, अगर हमारा कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है, देन इस बार मैं बोल रहा हूँ कि बी के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज जरूर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, ये एलिमेंट इन दोनों की इमेज है। ऑल राइट, ये एलिमेंट इसकी इमेज है, ओके। देन ये एलिमेंट इसकी इमेज है, ओके। बट ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है। ऑल राइट, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ देखते हैं हम लोग, तो ये एलिमेंट इसकी इमेज है, ओके। ये एलिमेंट इसकी भी इमेज है, ये एलिमेंट इसकी भी इमेज है, ओके। और ये एलिमेंट हमारे पास इसकी इमेज है। यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज ना हो, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन हमारा ऑन टू ज़रूर है, ओके। नाउ यहाँ देखिए एक बार, तो ये एलिमेंट इसकी इमेज है, ये एलिमेंट इसकी इमेज है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, या फिर वो किसी न किसी की इमेज ज़रूर है, तो हम क्या बोल देंगे, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है, बिकॉज इस सेकंड सेट के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है मैपिंग से, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको लिखवाया था कि फंक्शन का इनवर्स हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब वो फंक्शन 11 भी हो और ऑन टू भी हो साथ में, और का मतलब हिंदी वाला और, तो हम बोलेंगे एंड एक्चुअल में। जब वो फंक्शन 11 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ठीक है, तो यानी कि दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। एक और चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को, अगर कोई फंक्शन 11 होता है तो हम उसको बोलते हैं इंजेक्शन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन हमारा ऑन टू होता है तो हम उसको बोलते हैं सर्जेक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये टर्म्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई है अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ऑल राइट, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए ध्यान से, ये फंक्शन 11 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है? तो नहीं, जिसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स, या फिर हम बोलेंगे, मान लीजिए फंक्शन हमारा f है, तो हम बोलेंगे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा हमारा। ऑल राइट, ध्यान से देखिए, ये फंक्शन हमारा 11 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो हमें यहाँ पे दोनों कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो हम बोलेंगे f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, f इनवर्स हमारा यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन 11 भी है और यहाँ पे ये फंक्शन ऑन टू भी है, इट मीन्स हमारा f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमारा f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम लोग ईजिली फाइंड भी कर सकते हैं यूजिंग सम टेक्निक्स जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ी हुई है, ओके। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है और अगर कोई फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव भी है, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन हमारा एक्चुअल में बाइजेक्टिव है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है अपने फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग आने वाले कॉन्सेप्ट्स को इजीली पढ़ सकें। अभी तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट ही नहीं किया, हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि एक्चुअल में हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, उसको हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ओके। बिकॉज इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके लिए पता होना चाहिए हमें कि एक्चुअल में इनवर्स क्या होता है। और ये सब मैंने क्यों लिया, बिकॉज बहुत से स्कूल्स में फर्स्ट चैप्टर हम लोग लास्ट में करते हैं, तो इस हिसाब से बच्चों के टर्म्स समझ में नहीं आती है, तो मैंने इस चीज़ के लिए एक वीडियो सेपरेटली आपके लिए बना दी। ऑल राइट, सो ये होता है हमारे पास एक्चुअल में किसी फंक्शन का इनवर्स, हम लोग कैसे पता करते हैं कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑल राइट, सो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन याद रखिएगा, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन हम लोग यहाँ पे भी उसके डोमेन्स और रेंज को इंटरचेंज कर देते हैं ताकि हम लोग उसके इनवर्स को इजिली फाइंड कर सकें। ऑल राइट, सो हम देखते हैं अब
कि हमारे पास एक्चुअल में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए.